उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में हजारों वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के निशान मिले हैं। जी हां, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट की पावन धरती भारत के मानचित्र पर धार्मिक केंद्र के रूप में तो प्रसिद्ध थी ही, लेकिन अब बड़े पुरातात्विक स्थलों के रूप में भी स्थान बनाने जा रही है। इसका सबूत है चित्रकूट की धरती पर भारतीय पुरातत्व विभाग के लगातार 3 दौरे, जो कि आने वाले समय में निसंदेह चित्रकूट के लिए ऐतिहासिक होंगे। पुरातत्व विभाग की टीम ने पाठा क्षेत्र का दौरा किया है। सराहट और उसके आसपास मौजूद कई शलाशों का क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी इलाहाबाद मंडल डॉक्टर राम नरेश पाल ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया। आपको बता दें कि चित्रकूट जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर मानिकपुरा के पास सरहट नामक स्थान पर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्री यानी कि गुफा में भारी संख्या में मौजूद हैं। ये 30,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। ये चित्र मध्य पाषाण काल के बताए जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इन शैलचित्रों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि पाठा के ये शैलचित्र पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के हैं और ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। सराहट के पास बासा चूहा खांबा चूली में भी ज्यादा संख्या में इस तरह के शैलचित्र पाए गए हैं। सराहट के 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में करपाटिया में 40 शिला श्रेयो का समूह दर्शनीय है। सराहट और उसके आसपास के स्थानों पर जो शैलचित्र पाए गए हैं वो भी हूबहू भीम बेटका के शैलचित्रों जैसे ही हैं, यानी कि भीम बेटका और सराहट के शैलचित्रों में काफी समानता है। और भीम बेटका के चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ और लाल रंग है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे पुराने समय में एलियन आए थे। विज्ञान का कहना है कि यहाँ पे आदि मानव के समय के वो चित्र हैं जब उन लोगों ने मानव सभ्यता का यहाँ पे सीखा था कि किस तरीके से जीवन यहाँ पे जीना है, तमाम चीजें थी। और कुछ ही दूरी पे अभी हम जाएंगे और अब देखेंगे कि जिस तरीके से जो शैल चित्र है जिनकी बात सामने आ रही है, जो यहाँ के लोग हैं ग्रामीण, उनका कहना है कि ये चित्र देवी देवताओं के हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियन के चित्र हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पे पता लगेंगी। दुर्गम पहाड़ी है ये और ये पहाड़ी जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और ये जंगल वीरान जंगल है। यहाँ पे हजारों साल पहले एक जीवन हुआ करता था जो आदिमानवों का जीवन था। विज्ञान का कहना ये है, पुरातत्व के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये पूरा पाषाण काल का समय है। कई किलोमीटर चलने के बाद अब जो हमारे गाइड हैं वो बता रहे हैं, जो यहाँ के लोकल चरवाहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है कि अब वो चित्र जहाँ तक हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, पीछे अभी भी वीरान जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, नीचे खाई है और इसी के बगल में आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता। इसके हमें अभी चित्र मिलेंगे, आप लोग देखेंगे। इसी के पीछे बताया जा रहा है वो है कि लगातार हम चल रहे हैं, काफ़ी दुर्गम पहाड़ी यहाँ पे है। समय की टीम आ चुकी है एक्सक्लूसिव भीम बैठकर रायसेन जिले में है, जहाँ पे शैल चित्र अधिक मात्रा में खोजे गए थे और इतिहास बदल गया था मानव सभ्यता का। और इसके बाद चित्रकूट मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पे सराहट के पास यहाँ पे खांबा चूही करपटिया और मारकुंडी में तमाम तरीके की जगह में शैल चित्र है। लेकिन हमारी टीम कई किलोमीटर पहाड़ियों से गुजरते हुए, झाड़ियों से गुजरते हुए और यहाँ पे नीचे खाई भी थी, दुर्गम स्थान पे आते हुए अब हम पहुँच चुके हैं उस शैलाश्रय के पास जो बहुत बड़ा शैलाश्रय है। और यहाँ पे कई दर्जन शैल चित्र हैं जो यहाँ पे जानवरों के भी है दिख रहे हैं, आदमी के भी दिख रहे हैं, कई सारे यहाँ पे दृश्य दिख रहा है। हमारे साथ कई महत्वपूर्ण लोग यहाँ पे आए हैं जो लगातार देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ पुरातत्व क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी भी हैं, शोध छात्र भी हैं, यहाँ पे इतिहास के छात्र भी हैं, पूरी एक टीम यहाँ पे है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अगर प्रशासन जिस तरीके से अनदेखी कर रहा था और पुरातत्व विभाग अब स्थानों तक पहुँचा है तो ये आने वाले समय में एक बड़ी खोज साबित हो सकती है और इसके माध्यम से इतिहास बदल सकता है चित्रकूट का, पाठा का और इन पिंध की पर्वत श्रृंखलाओं का। समय की टीम उस शैलाश्रय के नीचे आ चुकी है, ये देख रहे हैं पूरा ये शैलाश्रय है जिसमें तमाम तरीके के अलग अलग शैलचित्र बने हैं और हर एक शैलचित्र की अलग कहानी है यहाँ पे। और
यहाँ पे डिस्टेंस देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे ही यहाँ पे चित्र बने हैं, कैनवस को पूरा यहाँ पे बना हुआ है और ये दिख रहा है जिस तरीके से यहाँ पे मानवीय संस्कृति की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। हमारे साथ सर क्या क्या लग रहा है, ये शैलचित्र जिस तरीके से दिख रहे हैं, शैलाश्र दिख रहा है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इसको? ये मध्य पाषाणी संस्कृति से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका ये पूरा इलाका जो है ना इसे भरा पड़ा है। बस एक समस्या ये है कि ये अभी तक किसी भी पूरा स्थल पे इनको संरक्षित नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा जरूरी समय इनको है कि कहीं ना कहीं इनको संरक्षित कर लिया जाए, क्योंकि सबका तो संरक्षण संभव नहीं है, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हमारा आज मानो कैसे था, कैसे अपने घरों को सजाता था, कैसे रहता था, उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको सजाता। वो कितना पुराने हो सकते हैं चित्र? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, ये तो मध्य पाषाण काल, क्योंकि हमको पुल मिले, पुल मिल रहे हैं और कुछ मिल रहा है, मतलब जो पुल बनाने के जो प्रमाण है, जैसे उसके छोटे टुकड़े कोर सब मिल रहे हैं, तो ये मध्य पाषाण काल से लेकर के हमें लगता है कि ये आपका बाद तक का भी है, जैसे तीसरी चौथी शताब्दी तक ये पुराना यहाँ पे दिख रहा है। और ये पूरे चित्र आप देख सकते हैं वहाँ तक नजर आ रहे हैं, ये इस तरीके से इस क्षेत्र में आसपास बहुत सारे चित्र हैं। अब जरूरत है एक अभियान की, एक मुहिम की, जिसके बाद इनको संरक्षित किया जा सके। शैलाश्रय के बाद अब हम दूसरे शैलाश्रय में जा रहे हैं और काफी वीरान क्षेत्र है, और जिस तरीके से देख रहे हैं पत्थरों के ऊपर से गुजरना पड़ रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा पैर टूटने का है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पत्थर बड़ी बड़ी चट्टाने यहाँ पे है, और सारा समय की टीम यहाँ पे पहुंची है। बिल्कुल हम आपको नहीं कहेंगे कि आप लोग ऐसी परिस्थितियों में आए, लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखानी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे स्थानों से हम आए। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उतना ही ज्यादा ये रोमांचित कर देने वाला। पहले मैं पीछे कैमरा में जाऊंगा, दिखा दें, उस पहाड़ी में हम लोग जाने वाले हैं जहाँ पे शैल चित्र है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं सारा समय में। शैलाश्रयों को खोजने के लिए जो टीम निकली, यहाँ से पहाड़ी दोनों तरफ से पड़ती है, बीच में ये जल स्रोत है, बहुत बड़ा जल स्रोत है। कल्पना करिए, किसी भी सभ्यता के लिए जल का होना बड़ा महत्वपूर्ण था, चाहे वो मैदानी भाग के किनारे मिली सभ्यताएं रही हो, चाहे पहाड़ी इलाकों में, ये बीच में बहुत बड़ा जल स्रोत है, यहीं से पानी आता रहता है। और कहते हैं कि पहले के समय में ये और ज्यादा अच्छा था, खतरनाक था, पानी बहुत ज्यादा था। और पीछे वो ऊपर पहाड़ी देख पा रहे हैं, अभी भी वो हमसे काफी दूर है वो पहाड़ी, और वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और बताते हैं कि वहां पे जो चित्र है वो और ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। अभी भी काफी दूर है ऊपर जो पहाड़ी पड़ी है, कैमरा मैन को दिखा दें, वहां तक जाना है हमें। हजारों साल पुरानी सभ्यता के निशान है और काफी ज्यादा थका देने वाला ये सफर है, लेकिन समय की टीम अभी भी लगातार चल रही है जंगली इलाकों में। आप हमारे साथ देख सकते हैं जिस तरीके से है, अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा, एक तो पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, गला सूख रहा है, यहाँ पे पानी अभी हम लोगों ने नहीं पिया बहुत देर से। और देख सकते हैं वहाँ पे पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं, शोध छात्र हैं, जिस तरीके से देखिए सामना करना पड़ रहा है, काफी कठिन है। तमाम तरीके की मुश्किलों के बाद पहाड़ी से उतर के चढ़ करके, और इस तरीके से यहाँ पे जंगल भी रहा है, काफी खतरनाक जंगल था, और यहाँ पे जिस तरीके से पेड़ हैं और काफी पहाड़ियां भी हैं पत्थरों के बाद, इस शैलाश्रय में पहुंचे हैं। और शैलाश्रय काफी बढ़िया शैलाश्रय है, बड़ी संख्या में यहाँ पे चित्र है, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बढ़िया सा चित्र दिख रहा है जिसमें एक आकृति झलक रही है, यहाँ पे कुछ कर रहा है व्यक्ति, ऐसा दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पे लग रहा है कि किसी भैंसे के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर चल करके व्यक्ति किसी तरह की कोई क्रिया कर रहा है। तमाम तरीके के चित्र हर परिस्थिति को दिखा रहे हैं, और इतिहासकारों की अगर माने तो जिस तरीके से ये चित्र है, भीमबेटका रायसेन जिले में पड़ता है वहाँ पे चित्र है, और यहाँ पे टूल्स भी काफी संख्या में मिले हैं, तो ये मध्य पाषाण काल और जो पूरा पाषाण काल की शुरुआती दौर का समय था, उस तरीके का समय यहाँ पे इन चित्रों से दिख रहा है। काफी चित्र खराब भी हो गए हैं, लेकिन मैं अपने कैमरा से दिखा दें इन चित्रों को, जिस तरीके से चित्र है यहाँ पे, ये काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे है, और इस तरीके की सभ्यता चित्रगुप्त जिला मुख्यालय जो है उससे 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है, और मानिकपुर नगर पड़ता है। ये पूरा मानिकपुर नगर विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं से चारों तरफ से घिरा हुआ है, पाठा का क्षेत्र कहलाता है। इस पाठा क्षेत्र में इस तरीके की जो संस्कृति है, अगर कहें तो मानव सभ्यता के विकास की संस्कृति, उसकी कला को दर्शाती है, इस तरीके के चित्र यहाँ पे है, लेकिन सहेजने की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इस रिपोर्ट को दिखाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि इन संस्कृतियों को और इस तरीके के चित्रों को संरक्षित किया जाए, जितनी भी यहाँ पे साइटें हैं उनको संरक्षित करके
आपका जो पर्यटन के लिहाज से जो महत्वपूर्ण तरीके की बात होती है उसको भी यहाँ पे उसे जोड़ा जाए, तमाम चीजें यहाँ पे लोगों की मांग है वो उठ रही है। ढाई किलोमीटर की यात्रा के बाद तकरीबन 3 से 4 सैलाबों को खोजने के बाद यहाँ पे अब हमारी टीम लौट रही है इस मंसूबे के साथ कि जिस तरीके से जो आवाजें आई हैं कि संरक्षित हो ये तमाम जो पूरा स्थान है। और ये सैलाब सरे बड़ी कहानी बयां करते हैं उस दौर की, जब मानव सभ्यता अपने विकास के दौर में था और उस दौर में संदेश जो होते थे वो चित्रों के माध्यम से ही अभिव्यक्ति की जो अभिव्यक्ति का जो तरीका था वो मानव प्रयोग करते थे। और इस तरीके के चित्र सुदूर क्षेत्रों से अलग यहाँ पे जो दुर्लभ जो यहाँ पे घाटियाँ हैं और जहाँ पे प्रकृति निवास करती है ऐसा यहाँ पे देखने से इस तरीके से स्पष्ट रूप से लग रहा है। बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पे हैं और ये विंध्य की पर्वत श्रृंखला से जो जुड़े इलाके हैं यहाँ पे मानव सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि अभी तक प्रशासन का पुरातत्व विभाग का और जिस तरीके से भारत सरकार बात करती है कि अपने जो तमाम जो स्थल है उनको संरक्षित किया जाएगा उसकी तरफ कोई पहल नहीं की गई है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक आवाज़ तो हर दिल से उठनी चाहिए कि ऐसे स्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार के साथ पाठा के इन अति संवेदनशील स्थानों में मौजूद शैलचित्रों की रिपोर्ट के साथ अनुज हनुमान, नैनीताल में।